राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को जनपद में दो विश्वविद्यालयों की सौगात दी। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया और इसके पहले उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। सोनवर्षा मानीराम स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति ने बटन दबाकर लोकार्पण किया। इसी के साथ राष्ट्रपति ने नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेद चिकित्सालय सहित अन्य विभागों का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारत की प्रथम महिला व राष्ट्रपति की धर्मपत्नी सविता कोविंद, गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग, महायोगी गुरु गोरखनाथ के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम राष्ट्रगान से शुरू हुआ। तत्पश्चात कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के भौतिक विकास में योगदान देने वाले तीन इंजीनियर नीरज गौतम, सत्येंद्र चौधरी एवं जसप्रीत लांबा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 1934 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने शिक्षा का यह प्रकल्प शुरू किया था। राष्ट्रपति ने 2018 में गोरखपुर आगमन पर गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का सुझाव दिया था। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा की तरह लोक कल्याण हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोगो भी यही संकेत देता है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा और चिकित्सा के लिए नई शिक्षा नीति लागू की। यह विश्वविद्यालय पहले सत्र में ही नर्सेज और पैरामेडिकल की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। जब देश गुलाम था, उस समय दिग्विजय नाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर शिक्षा की अलग जगाई थी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन उसी प्रेरणा की देन है। 2018 में शिक्षा परिषद के समापन अवसर पर आए राष्ट्रपति जी ने गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने को कहा था। अब सिटी ऑफ नॉलेज की संकल्पना साकार होती दिख रही है। आज एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास और एक का लोकार्पण हुआ है। नई शिक्षा नीति की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय बना है। यह विश्वविद्यालय उन सभी युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा जो सफल होने का सपना देखते हैं। और अपने संबोधन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गोरखपुर का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान भी उतना ही प्रेरक है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक और दिग्विजय नाथ महाराज ने गोरखनाथ मंदिर को धर्म और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। सन 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। यह खुशी की बात है कि यह शिक्षा परिषद अपनी संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ ही उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देता है। उन्होंने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्देश्य गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाना है। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि गोरखपुर आकर एक सुखद अनुभूति हो रही है। पिछली गोरखपुर यात्रा के दौरान मैंने ये विश्वास व्यक्त किया था कि गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाया जाएगा। आज इसे साकार होते देख मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी मान्यता है कि भगवान गोरखनाथ स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। गोरखपीठ के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, आज यह परिषद शिक्षा के हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इसके कुलाधिपति और राज्यपाल के निर्देशन में निरंतर आगे बढ़ते जाएगा। विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र तैयार होंगे जो देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ सम्पन्न हुआ। और आज उसकी श्रेष्ठतम संस्था विराजमान होने के लिए परम सम्मान अध्यक्ष जी बधाई रहे हैं। हमारे अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश। हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत महायोगी गोरखनाथ विश्व।
विद्यालय के सभा भवन और इसके पश्चात राष्ट्रपति श्री रामनाथ देवियों और सज्जनों भारत के माननीय राष्ट्रपति सभागार में पधार रहे हैं। आप सभी आगंतुकों से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राजनीति के पद नई परिभाषा लिखने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, महायोगी गोरखनाथ जी की कृपा, ब्रह्मलीन योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी महाराज, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रेरणा और स्मृतियों से श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में आज लोकार्पित होने जा रही नवसृजित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के पावन परिसर में मैं मुख्य अतिथि के रूप में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का महाराणा शिक्षा परिषद की और आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहा हूँ। क्या सम्मान और अभिनंदन महाराणा शिक्षा परिषद के इस नवसृजित विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की ओर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति पूज्य महाराज से द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय का भावपूर्ण स्वागत सभी सविता कोविंद
अन्य पटेल जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब आभारी हैं। आपको एक स्मृत चिन्ह पूज्य महाराज श्री के कदमों से प्रदान करते हैं। माननीय अतिथियों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया समाज एवं साधकों के उद्धार हेतु साधक की पवित्रता संयम पूर्ण जीवन चारित्रिक श्रेष्ठता सदाचार युक्त एवं आनंद रहित जीवन के उद्घोषक महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी ने राप्ती और रोहिणी नदियों के संगम के सुरम्य क्षेत्र को अपनी तप स्थली बनाया। उन्हीं के नाम पर ये नगर गोरखपुर कहलाया और आज ये विकसित होता महानगर नाथ पंथ के सर्वोच्च केंद्र श्री गोरक्षपीठ एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधिपति महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से पहचाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस जहां गोरखपुर की पहचान है, वहीं ये क्षेत्र सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के अग्रदूत महात्मा बुद्ध एवं महावीर जैन की पावन भूमि भी रही है। उसी श्रेष्ठ महंत परंपरा के गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भारत की आजादी के संत सिपाही तो थे, सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत भी थे। 1932 ईस्वी में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनकी इसी क्रांति की प्रज्वलिता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने भारत के आजाद होते होते प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का शैक्षिक मॉडल खड़ा कर दिया तथा भारतीय संस्कृति केंद्रित शिक्षा प्रणाली का प्रतिमान बना। भारत में उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित करने का श्रेय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को ही है, जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के दो महाविद्यालय महाराणा प्रताप महाविद्यालय एवं महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय को समर्पित कर दिया। ये विश्वविद्यालय आज अंत्योदय के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को संजोए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम से प्रतिष्ठित है। युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सुयोग्य उत्तराधिकारी आजाद भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत राष्ट्रसंत महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को शिक्षा एवं स्वास्थ्य का वृक्ष जैसा विस्तृत एवं विकसित स्वरूप दिया। आज 4 दर्जन शिक्षा प्रशिक्षण के प्राइमरी स्कूल से लेकर पीजी कॉलेज तक पॉलिटेक्निक बीए एमएड नर्सिंग सहित विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संस्थान संचालित हो रहे हैं। दूर दराज गांवों तक चिकित्सा सेवा गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के द्वारा पहुँचाई जा रही है। इन संस्थाओं में 5,000 से अधिक शिक्षक चिकित्सक एवं कर्मचारी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष जानने का कार्य हमारे संस्थान करती है। हमारे चिकित्सालयों से लगभग 25,000 रोगियों का प्रतिमाह उपचार होता है। श्री गोरक्षपीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रेरणादायी नेतृत्व में शिक्षा चिकित्सा एवं लोक कल्याणार्थ सेवा के क्षेत्र में अपने विशिष्ट कार्य पद्धति के कारण नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हमारे आदर्श भारतीय संस्कृति के प्रति नगारा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श एवं स्वदेश स्वधर्म स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सर्वस्व नछावर करने वाले राष्ट्र नायक परमवीर महाराणा प्रताप का उज्जवल प्रदीप्त चरित्र हमारा आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्रीमुख से जिसे जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गात अभी गर्यसी तथा पुण्य प्रताप महाराणा प्रताप का योग घोष की जो भटी राखे धर्म को तिहि राखे प्रताप हमारे सदा स्मरणीय बोधवाक्य है। हमारी संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन शोध एवं वित्तनूतन मौलिक नवाचार करने वाला युवा आधुनिक ज्ञान विज्ञान कला एवं आत्मनिर्भर बनने की रोजगार परक का उचित शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने देश और समाज के प्रति सहज निष्ठा और अटूट श्रद्धा का पाठ भी पढ़े। आज से लगभग 1.5 वर्ष के शताब्दी वर्ष तक खूब इशारित योजनाओं और प्रयासों के बल पर गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में स्थापित करने का इतिहास सब लोग गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की दिशा में उसी दिन से प्रयत्न बढ़ा दिए और आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोकार्पण गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महायोगी
योगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोगो विश्वविद्यालय के इसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्रतिध्वनित करता है। ये विश्वविद्यालय अत्याधुनिक ज्ञान विज्ञान तकनीक के शोध का विशिष्ट केंद्र होगा। सभी चिकित्सा पद्धतियों की विशिष्टताओं के समन्वय के साथ विशिष्ट चिकित्सा का मॉडल होगा। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र में नर्सिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत ANM, GNM, बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc एवं MSc नर्सिंग की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं एवं भवन आज लोकार्पित हो रहा है। 250 बेड के महंत दिग्विजय नाथ आयुर्वेद चिकित्सालय के अत्याधुनिक भवन का आज लोकार्पण हो रहा है। BAMS की 100 सीटों की मान्यता के साथ आयुर्वेद कॉलेज प्रारंभ हो रहा है। 400 नर्सिंग छात्राओं की आवासीय सुविधा प्रदान करने वाला माँ पाटेश्वरी सेवाश्रम छात्रावास एवं भव्य योगीराज बाबा गंभीरनाथ अतिथि गृह का लोकार्पण, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों का शुभारंभ। ये विश्वविद्यालय आगामी 5 वर्षों में MBBS सहित चिकित्सा एवं शिक्षा के लगभग 30 नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करेगा जो वर्तमान युग की आवश्यकता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोकार्पण होने जा रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता प्रदान करेगा। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार अर्थात भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत राष्ट्र को समर्पित ऐसा नागरिक निर्माण करेगा जो आत्मनिर्भर होगा, वैश्विक दृष्टि के साथ अपनी विधा में कुशल होगा, वैज्ञानिकता के साथ आध्यात्मिकता से युक्त जीवन की सफलता का उदाहरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बने आपके कदमों से इस नौ सजी विश्वविद्यालय परिसर के भौतिक विकास में बेहतर योगदान रहा है। उत्तरी और गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का स्मृति में प्रदान कर लामा जी का चौधरी साहब का भी सम्मान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सत्ता कोविंद जी आज के समारोह में अपने विशिष्ट उपस्थिति के माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका गर्ग जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण,
और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज का समय गोरखपुर वासियों और पूर्वांचल वासियों को प्रदान करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का आज के इस प्रांगण में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, जो नवसृजित विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि जब देश स्वतंत्र था उस कालखंड में 1932 में ब्रह्मलीन गोरख सपीताधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके पूर्वांचल के शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा के लक्ष्य जगाने का एक अद्भुत कार्य प्रारंभ किया था। 1932 से प्रारंभ यह यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा के लिए पहला महाविद्यालय स्थापित करने, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से दो महाविद्यालय देकर के गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना को आगे बढ़ाने और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने गोरखपीठ इस परंपरा को, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के साथ ही सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोक कल्याण के पथ को आगे बढ़ा सके, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस अभियान का केंद्र बिंदु बना और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं का संचालन करने के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा नवसृजित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का यह कार्यक्रम माननीय राष्ट्रपति जी के उस उद्घोषणा का ही एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने 2018 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मुख्य समारोह में गोरखपुर के प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद के शताब्दी महोत्सव के पूर्व गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का एक संकल्प गोरखपुर वासियों को दिया था, उसी श्रृंखला का हिस्सा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल जी का, सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपना लोगो जो प्रस्तुत किया है उसने अपने उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दिया है। लोगों का स्पष्ट उद्देश्य ऋग्वेद के पंचम मंडल का वह मंत्र है जो हमें स्वस्ति पंथामनुचरेम का उद्घोष हम सब के लिए करता है, यानी हम सूर्य और चंद्र की तरह लोक मंगलगामी बने, लोक कल्याण के पथ के अनुगामी बने, यानी हम सब का ध्येय लोक कल्याण होना चाहिए, यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, यह दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कहे जाने वाले ऋग्वेद के इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर के उसमें आप साथ होते हुए हम लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे, इस उद्देश्य से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का एक कार्यक्रम आज यहां पर माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से, माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आज गोरखपुर वासियों को के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक अद्भुत घटना है,
कि एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय का कुछ देर पहले माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। ये सचमुच सिटी ऑफ नॉलेज की उस संकल्पना को साकार करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। हम सबका सौभाग्य है कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पस्त है, उस कालखंड में भी अपने चरणेति चरणेति मंत्र को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को नई शिक्षा नीति दी। नई शिक्षा नीति में न केवल शासन के स्तर पर बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से और उसमें भी उन धर्मार्थ संस्थाओं की भूमिका के माध्यम से जो व्यवसायिकता से कोसों दूर रहते हुए विशुद्ध सेवा भाव के साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, जिन्होंने आजादी के बाद किया भी और आगे भी वे निरंतर कर सकते हैं, उनके लिए नई शिक्षा नीति अनेक प्रकार से नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करती है। और नई शिक्षा नीति की उस संकल्पना को साकार करने के लिए ही गोरखपीठ श्री गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इस अभियान का हिस्सा बनकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि यह विश्वविद्यालय अपने पहले सत्र में ही नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ ही आयुर्वेद और पैरामेडिकल के अनेक पाठ्यक्रम को लेकर के इस नए सत्र में ही प्रारंभ करने जा रहा है और अपने आगामी 5 वर्षीय कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपनी प्रस्तावना अभी से सबके सामने प्रस्तुत कर दी है। हमें विश्वास है कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जिस देश का यशस्वी नेतृत्व चाहता है। एक आम जन की आकांक्षाएं होती हैं, उन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए यह निरंतर कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आज के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर देश के जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर नागरिकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एथलेटिक्स में शानदार उपलब्धियों के लिए वीर भारत पुरस्कार देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रो कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह जी, श्रीमती मोनिका गर्ग जी, आमंत्रित सभी महानुभाव, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं अन्य विद्यार्थीगण, देवियों और सज्जन, गोरखपुर की इस पावन धरा पर स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज एवं साधकों के उद्धार के लिए साधना की पवित्रता, संयमपूर्ण जीवन जीने वाले महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर जनपद अनेक
संत महात्माओं एवं महापुरुषों की तपस्या रही है। गोरखपुर का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान भी उतना ही प्रेरक और उल्लेखनीय है। चौरी चौरा कांड के अमर सिपाही एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने श्री गोरखनाथ मंदिर को धर्म एवं अध्यात्म के केंद्र के रूप में विकसित किया और सन 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। गोरखनाथ मंदिर ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की अलग जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित इस परिषद प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के अनेक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया है। यह खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता। आज यह माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोकार्पण किया गया है। इसका उद्देश्य गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का है। इस शहर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रपति महोदय ने ही दिया था, जिसे आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पूरा कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि कौशल विकास एवं रोजगार के बारे में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगा। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ हो जाने और आयुष्य विश्वविद्यालय के बन जाने से जनपद गोरखपुर एजुकेशन हब के रूप में जाना जाएगा। सभी जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार के लिए युवकों को तैयार करना नहीं होता, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य एक दृढ़ निश्चय और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक का तैयार करना है। आज टेक्नोलॉजी का समय है, देश को नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। ऐसी स्थिति में उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उसका सदुपयोग करते हुए हमें प्रगति करनी होगी, देश का आगे बढ़ाना होगा। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे विद्यार्थी कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और नई भाषा की सीमा में बढ़ेंगे। मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना समाज की आवश्यकता तथा विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, तार्किकता एवं नवाचार की भावना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए आयाम स्थापित करने का अवसर है। यह पूरी तरह से भारतीयता को दर्शाती शिक्षा नीति है। नीति के सफल अमल से भारतीय ज्ञान के साथ भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों में स्किल विकसित होगा, जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न युवा शक्ति का निर्माण करेगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत केजी से लेकर पीजी शिक्षा की प्रणाली महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम की संरचना एवं नियम आदि पर प्रकाश डाला गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार करते हुए विद्यार्थी को अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार उपाधि प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। मुझे विश्वास है कि श्री
गोरखपीठ द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित यह महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ऐसे नागरिकों का निर्माण करेगा जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद। निवेदन करता हूँ अपने उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए इस माननीय राष्ट्रपति कुलाधिपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, कुलपति डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जन, सिद्ध योगियों की सर्वोच्च पीठ गोरख में आज आकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष से भी कम समय में मुझे यहाँ एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान के उद्घाटन के लिए आप सब लोगों के बीच पुनः उपस्थित होने का अवसर मिला। अपनी पिछली गोरखपुर यात्रा जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया, हमारी राज्यपाल महोदया ने भी किया, पिछली गोरखपुर यात्रा के दौरान जो 10 दिसंबर 2018 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सत्कार समारोह में मैंने ये विश्वास व्यक्त किया था कि गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो मैंने विश्वास दिसंबर 2018 को व्यक्त किया था वो मेरा विश्वास आज मुझे सच होता हुआ दिख रहा है। मेरे लिए ये संतोष का विषय है कि श्री गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते हुए गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का निर्माण करके इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। देवी और सज्जनों, पूरे भारत में नाथ सिद्ध परंपरा के अनुयायियों के लिए श्री गोरखनाथ के नाम पर स्थापित गोरखपुर नगर अनन्य श्रद्धा का केंद्र है। राप्ती और रोहिणी नदियों के संगम पर स्थित गोरखपुर नगर तथा यह संपूर्ण अंचल महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर महावीर और संत कबीर की ज्ञान परंपरा से आलोकित है। ये धरती गुरु गोरखनाथ से लेकर महंत दिग्विजयनाथ तथा महंत अवैधनाथ की पावन तपस्थली रही है और बाबा राघवदास, श्री हनुमान प्रसाद पोलकार, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, साहित्यकार प्रेमचंद, रघुपति सहायक फिराक गोरखपुरी एवं विद्या निवास मिश्र की स्मृतियों से सुरभित है अर्थात सुगंधित है। ऐसी मान्यता है कि महायोगी श्री गोरखनाथ स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। श्री गोरखनाथ की तपस्थली गोरखपीठ सदियों से भारत के सामाजिक धार्मिक जागरण में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस पीठ ने राजनीतिक पुनर्जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के समय में भी श्री गोरखपीठ जन जागरण, जन सेवा, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का केंद्र बने हैं। श्री आदिनाथ, श्री मत्स्येन्द्रनाथ और गुरु गोरखनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नाथ पंथ आज भारत के कोने कोने में मानवता की भलाई में जुटा हुआ है। भारत के बाहर भी यह
पंथ तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान जैसे देशों में योग के प्रचार प्रसार के माध्यम से लोक कल्याण में लगा हुआ। महायोगी गोरखनाथ ने योग के माध्यम से जनसाधारण को सशक्त बनाने का अतुलनीय उपक्रम किया है। गुरु गोरखनाथ जी एवं उनकी साधना पद्धति का संयम एवं सदाचार से संबंधित व्यवहारिक स्वरूप लंबे समय से सम्मानीय बना हुआ। गुरु की महिमा एवं श्रद्धा से ओतप्रोत नाथ पंथ की मान्यताओं और साधनों का उपयोग विभिन्न धर्मों एवं मतों को लोकप्रिय बनाने के लिए शताब्दियों तक किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा में महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं। महायोगी श्री गोरखनाथ ने महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को युगानुकूल बनाकर जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने अपने उपदेश लोक भाषा में दिए। संवाद शैली में दिए गए अनेक उपदेश हिंदी की प्राचीनतम धरोहरों में शामिल हैं। देवियों सज्जनों, स्वामी विवेकानंद का विचार था कि कोई भी देश उसी अनुपात में उन्नत हुआ करता है जिस अनुपात में वहाँ के जन समूह में शिक्षा और बुद्धि का प्रसार हो। उनका मानना था कि वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनकी चारित्र शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें प्राणी दया का भाव और शील का साहस पैदा नहीं करती, उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उन्हें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में ऐसी ही परिकल्पना की गई। इसमें कहा गया है कि शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए और साथ ही उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि में सुधार करना और छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों एवं संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव तथा बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को लेकर 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उत्तर भारत में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 शैक्षिक संस्थाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी हुआ। मुझे विश्वास है कि कुलाधिपति के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय को अवश्य प्राप्त करेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं में विद्यार्थियों को अति आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ साथ उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है। उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना और सामाजिक सहभागिता के गुण विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मुझे बताया गया है कि आज लोकार्पित किए जा रहे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में योग, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ समय की आवश्यकता को देखते हुए रोजगार प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाए। विश्वविद्यालय में जहाँ उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वही विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। प्रथम चरण में यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं आरोग्य से जुड़े विविध पाठ्यक्रमों का अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य किया जाए। आगे चलकर एलोपैथी पद्धति से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने की योजना है।
मुझे बताया गया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कृषि पर आधारित गृह उद्योग संचालित करने के लिए किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास गौरवमय रहा। तक्षशिला में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय से लेकर नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला और बल्लभी के विश्वविद्यालयों की परंपरा उस समय के लिए धूमिल हो गई, परंतु हमारे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शिक्षकों ने पूरी दुनिया को अपनी मेधा एवं समर्पण भावना से लगातार प्रभावित किया। उन्होंने हम सभी के अंदर यह विश्वास जगाया है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान व विचार की हमारी प्राचीन और सनातन परंपरा को आगे ले जाने में पूरी तरह सक्षम। मुझे विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऐसे ज्ञानवान विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे जो आत्मनिर्भर, सशक्त, स्वस्थ और कुशल भारत का निर्माण करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आप सब ज्ञानवान बने, क्योंकि भगवद्गीता में भी कहा गया है, न ही ज्ञाने सदसम पवित्रम यही विद्यते, अर्थात इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह अन्य कुछ भी नहीं। मुझे विश्वास है कि ऐसे ज्ञानवान विद्यार्थियों, समर्थ शिक्षकों और सुयोग्य प्रशासकों के सामूहिक प्रयासों से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा जगत में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मेरी शुभकामना है कि आप सभी के प्रयास सफल हों और गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सफल बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हैं, सभी आगे पहुंचने में